हरियाणा के गृह मंत्री एवं गब्बर सिंह के नाम से जाने जाने वाले अनिल विज द्वारा आज सीएम सिटी करनाल नगर निगम में औचक निरीक्षण किया गया एवं गहनता से नगर निगम के अधिकारियों के सामने फाइलों की जांच की गई एवं उनके कार्य प्रणाली का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्य न होने पर नगर निगम के अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई। अनिल विज नगर निगम में लगभग 2 घंटे तक निरीक्षण करते रहे। इस दौरान उनके साथ करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, नगर निगम के कमिश्नर निशांत यादव के अलावा विभिन्न वार्डों के पार्षद व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनिल विज के नगर निगम में आने से कर्मचारियों व अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि वह हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर भी इस तरह की छापामार कार्यवाही कर रहे हैं ताकि जो अधिकारी ठीक से जनता का कार्य नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के 5 अधिकारी व कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर राजकुमार, एमई लखीम चंद्रागव, एक्सीएन एलसी चौहान, डीटीपी मोहन सिंह, चपरासी दीपक का नाम शामिल है। अनिल विज द्वारा की गई कार्यवाही से जहां अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा वहां पर आमजन में खुशी का माहौल दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के नेता समय समय पर अधिकारियों की क्लास लेते रहे तो जनता के कार्य बखूबी होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, परंतु जो अधिकारी कार्यों को पूरा करने में आनाकानी करेंगे उनके साथ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अनिल विज ने पत्रकारों से यह भी कहा कि आदेश दिए गए हैं कि हर जिले का एसपी व अन्य पुलिस अधिकारी नियमित थानों का निरीक्षण करेंगे और लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। देखिए अनिल विज द्वारा करनाल नगर निगम में की गई छापेमार कार्यवाही की एक रिपोर्ट। कि कोई बिल आया और आपने क्या आपके कमेंट्स दिए आपने वो या आपका तय है सेट है? नहीं नहीं सर, कमेंट्स सेट है कि जो आया जो ठीक है वो ठीक है बस। कमेंट्स लिखेंगे या अलग से? भाई रजिस्टर पर रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? आपके दफ्तर में कब आई कब गई यहाँ से फाइल? भाई कब गई? कोई रिकॉर्ड नहीं है, खाली बैठे हो ले रहे हो आप सरकार से। होना चाहिए सिस्टम को, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसका नाम लिखो सस्पेंड किया ये जो है, क्या नाम है इसका, क्या हो आप यहाँ पे? डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, क्या नाम, क्या इसका राम कुमार? नहीं मिला। चलो चलो यहाँ तक आ गया और मैंने कहा कि मैं अपने नगर निगम में क्या हो रहा है मैं देख कर आऊँ और देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जितना भी मैंने अभी तक पूरी तरह से यहाँ पर गैर जुम्मेराना काम हो रहे हैं और जनता की शिकायतों का निपटान तरीके से नहीं हो रहा। लोग साल साल से भटक रहे हैं और कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है मुनिसिपल पॉलिटी। ये मुनिसिपल पॉलिटी शब्द से म्युनिसिपैलिटी बना है। मुनिसिपल पॉलिटी का अर्थ हुआ कि वो सब करना जो मनुष्यों के पालन के लिए आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसलिए ना डाक टाइम पे दी जा रही है, ना आने जाने का अपना कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ना किसी फाइल के आने जाने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ना टाइम पर चिट्ठियाँ डिलीवर की जा रही हैं, ना उनका टाइम पर जवाब दिया जा रहा है। इसलिए मैंने कुछ लोगों को सस्पेंड किया। कितने लोग हैं तो करनाल में? हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएलए हैं यहाँ से, तब ये हाल है तो उसके हालात दूसरी नगर निगम क्या हो? मुख्यमंत्री जी यहाँ से एमएलए हैं तो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ही मेरे को लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया है और इनको ठीक करने के लिए बनाया है।
कितने लोग सस्पेंड किया सर? किस तरह की कार्रवाई सस्पेंड कितने करे सर? कितने लोगों को सस्पेंड किया गया सर? एक डीटीपी को किया है जी, एक डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स ऑडिट ऑडिट ऑफिसर को किया है, एक एमई को किया है, एक पीएन को किया है। तो किस तरह की सर हम मैसेज क्या देना चाहेंगे जो भी विभाग क्या कार्रवाई होगी सर इनके आगे? उसको भी काम करें और जनता को परेशान ना करें। आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।